दोस्तों, यह जोधपुर वाली वीडियो की सेकंड पार्ट। अगर आपको इसका पहला पार्ट देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यह उससे अगले का पार्ट, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए जानते हैं नंबर वन से। नंबर वन, सरदार गवर्नमेंट म्यूजियम। ये उम्मीद बाकी सेंटर में स्थित है, जहाँ पर कई वेराइटीज़ के वेपन्स, टेक्सटाइल और मेरे से पेंटिंग्स एंड आर्टक्राफ्ट की चीज़ों को रखा गया है। नंबर टू, पैलोडी जोधपुर। एक स्मॉल कस्बा है जो कि जोधपुर और जैसलमेर के बीच में स्थित है, जहाँ पर इसे सोल सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी जो पॉपुलेशन है वो सोल्ट इंडस्ट्री पे ही डिपेंडेंट है। साथ ही ये अपने हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट जैसे कि लाल निवास पैलेस, पैलोडी फोर्ट के लिए भी जाना जाता है, जो कि एक मशहूर प्लेस है। नंबर थ्री, मसूरिया हिल गार्डन। ये गार्डन मसूरिया हिल पर स्थित है, जो कि शहर का 360 व्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और इस गार्डन के अंदर ही वीर दुर्गाधर राठौर की स्टैचू भी स्थित है, जहाँ पर आप बाबा रामदेव का मंदिर भी देख सकते हैं। और साथ ही इस जगह पर ही सबसे बड़ा टीवी टावर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर स्थित है। नंबर फोर, शास्त्री सर्कल। इस शहर का सबसे अमेजिंग पार्ट है, क्योंकि नाइट में दोस्तों के साथ में हैंग आउट करने के लिए एक बेस्ट जगह है। यहाँ पर म्यूजिकल फाउंटेन भी लगा हुआ है, जो कि जाज म्यूजिक के अकॉर्डिंग लाइट इसमें ब्लिंक करती हैं, जो कि एक देखने लायक जगह है। नंबर फाइव, शीश महल। ये मेहरानगढ़ फोर्ट के भीतर स्थित है, जो कि यहाँ पर आपको आईने के मार्वलस पीसेस देखने के लिए मिल जाएंगे। शीश महल के अंदर सारे हिस्टोरिकल मिरर्स रखे हुए हैं। इसका निर्माण 17 से 18 शताब्दी के बीच में करवाया गया था, जो कि देखने लायक जगह है। नंबर सिक्स, रानीसार पद्मसार। ये दोनों आर्टिफिशियल लेक है, जो कि मेहरानगढ़ फोर्ट के चारों ओर स्थित है, यानी चारों ओर फैली हुई है, जो कि दोनों लेक्स अलग अलग रानियों ने बनवाया था, जो कि अपने हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नंबर सेवन, चामुंडा माता टेम्पल। ये मेहरानगढ़ फोर्ट के पास स्थित है, जो कि एक ग्रेट टेम्पल है। ये सेंसिटिव व्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो कि पूरे ब्लू सिटी का एक काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू प्रदान करता है। नंबर एट, महामंडलेश्वर में महादेव टेम्पल। ये शहर का सबसे पुराना मंदिर है, जिसकी स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना मंडल नाथ ने की थी। ये भगवान शिव का सबसे खूबसूरत मंदिर है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटेड मंदिर है। नंबर नाइन, मच्छिया बायोलॉजिकल पार्क। ये जोधपुर से 8.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जो कि कायलाना लेक के पास स्थित है। यहाँ पर आपको कई फ्लोरा एंड फौना के लिए देखने को मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पर आपको कई जंगली जानवर, जंगली बिल्ली, ये सब चीज़ देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि ये जोधपुर शहर की सबसे फैंटेस्टिक बायोडाइवर्सिटी है। नंबर टेन, बिसोई विलेज टूर। इस गांव का सबसे पुराना राजस्थानी ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यानी इस गांव के अंदर जो कि अपने ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल के, मारवाड़ी लाइफस्टाइल के लिए काफ़ी ज़्यादा इस गांव फेमस है, जो कि जोधपुर के पास स्थित है, जो कि एक मशहूर विलेज है। नंबर 11, फोर्ट छनवा। ये जोधपुर का सबसे बेस्ट हेरिटेज होटल है। इसका निर्माण महाराजा दलीप सिंह और उनकी वाइफ के लिए करवाया गया था, जो कि रेड सैंडस्टोन से बना हुआ एक अमेजिंग आर्किटेक्चर है। नंबर 12, राय का बाग पैलेस। ये 1663 में महाराजा जसवंत सिंह ने बनवाया था, जो कि जोधपुर का सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है। ये पैलेस अभी के टाइम में इनकम टैक्स का ऑफिस है। नंबर 13, फन वर्ल्ड जोधपुर। ये जोधपुर के चौपासनी रोड पर स्थित है, जो कि शहर का सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय वाटर पार्क है, जो कि यहाँ पर आपको सेवरल पूल सिलेक्शंस देखने को मिल जाएंगे, जो कि केवल किड्स के लिए अलग हैं और अडल्ट्स के लिए अलग है। यानी ये काफ़ी ज़्यादा अलग अलग सेक्शन डिवाइड किया गया है, जिनके लिए यहाँ पर आपको कई फन राइड्स भी किए जाते हैं, जो कि एक देखने लायक और वीकेंड में अपने फैमिली के साथ में जाने के लिए एक बेस्ट जगह है। नंबर 14, स्प्लैश द फन वर्ल्ड। ये जोधपुर के सार्क इंसानंद रोड पर स्थित है। ये पार्क 12 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि अपने विजिटर्स को काफ़ी पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जो कि एक बेस्ट जगह है। तो आपको ये वीडियो पसंद है, आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक कर देना और फर्स्ट पार्ट देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, लिंक मिल जाएगी आपको। कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी और कुछ क्वेश्चन है या फिर किस टॉपिक वाली वीडियो चाहते हो। और आवाज़ तो आप पता नहीं पा रहे हो क्योंकि मुझे जुकाम हो रहा है, तो इसी वजह से आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है आज की। मैं मिलता हूँ आपको अगली किसी और नई वीडियो।